अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रागे में एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है गाइस। आपको पता है, मैं कुछ टाइम पहले ना लाइक एक वीडियो में बताया था कि मेरी आईज का इशू है, उसकी वजह से मैं लाइक मोबाइल पे नहीं खेल पाता हूँ, आईपैड पे खेलता हूँ। और लाइक कुछ कुछ लोग समझे, बट कुछ लोगों ने काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। मैं आपको बता दूँ क्या इशू है। मैं ना लाइक जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो बनाता हूँ तकरीबन 2014 से मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। अलग अलग चैनल्स बनाए, अलग अलग वीडियोस बनाई, डेली एडिट करना, और फिर बस आंखों पे फ़र्क पड़ता है। आप भी इतना यूज़ करोगे ना, आपकी भी आंखों पे पड़ेगा। रात को ऐसा होता है, अगर मैं आपने अक्सर मेरी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स पर देखा होगा कि मेरी आंखों में सुरमा डाला होता है, वो इसीलिए होता है। जब मैं सुरमा डाल लेता हूँ, मेरी आंखें ना थोड़ा सा बेटर फील करती हैं और रात को पानी नहीं निकलता। वरना जिस दिन मैं पूरा दिन मोबाइल यूज़ करूँ, रात को मेरी आंखों से ना पानी जो है वो लाजमी निकलता है। लाइक ऐसे आंसू टाइप निकलने लग जाते हैं, पानी होता है बस वो। और ऐसे जब तक सुरमा नहीं डालता, सुकून नहीं आता आंखों को। मैं और ज़्यादा मोबाइल पे खेला तो मुझे पता है ग्लासेस लग जाएंगी, और फिर काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस के बगैर आप अंधे होते हो, आपको पता ही है, धुंधला नज़र आता है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है आपके पास, आप उसको क्यों ज़ाया करोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आऊँ मोबाइल पे, वापस शिफ्ट हो जाऊँ। देखो गाइस, बात रही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, कॉम्पिटिटिव खेलो, टूर्नामेंट्स खेलो, तो वो कोई भी कर सकता है यार। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप लोग करो यार, खेलो। काम इंसान को गैस वो करना चाहिए जिससे उसको सुकून मिले, जिससे वो बेटर फील करे, या जिससे जो उसका दिल करे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पसंद यूट्यूब है, मैं आपको बोलूँ भाई यूट्यूब डिलीट करो और जाके वो वाला ऐप यूज़ करो, ज़बरदस्ती आपको बोलूँ, क्या आप करोगे या आप उसमें खुश रहोगे? नहीं ना, तो सेम चीज़ है। तो मैं गाइस अपनी आइज भाई मेरी हैं, मैं आईपैड पे खेलूँगा, मैं जस्ट एंटरटेन करता हूँ आप लोगों को, और मैं लाइफ टाइम तक वही करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर की। दूसरी गाइस, आजकल बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि अनॉनिमस भाई आप हर किसी को रिप्लाई नहीं देते, और मेल वगैरह करते हैं आप, रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मैं आपको एक चीज़ आज ये वाली भी क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, कि मुझे बताओ यूट्यूब कमेंट्स, जितने कमेंट्स मैं लाइक करता हूँ ना, कोई और यूट्यूबर करता हो तो आप मुझे आके बताओ, मैं आपसे कान पकड़ के, हाथ जोड़ के आपके सामने माफ़ी मांगूंगा। शुरू से मेरी वीडियोस देखो, जितने कमेंट्स मैं रीड करता हूँ। यूट्यूब के अलग, फेसबुक को अलग देखना गाइस अकेले, ठीक है, और इंस्टाग्राम को अलग देखना, टिकटॉक को अलग देखना, और ये सिर्फ एक दिन ये सब करना, अगले दिन फिर से शुरू। मैं आपको बता नहीं सकते, लाइक मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने अपने अब्बू के साथ बैठ के खाना कब खाया था। सर दर्द रहता है, लाइक मेरी एज अभी इतनी नहीं है, मेरी एज है लाइक अभी 20, 21, 22 है, लेकिन अभी से मेरे सर में दर्द रहता है। तो मैं यूट्यूब पे, आप कहते हैं ना अनाउंसमेंट, छुट्टी ले लो, ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम के लिए नहीं अपलोड करो, तो मैं आपको बोला ना कि मैं स्टडी छोड़ चुका था, ये ना मेरी जॉब है, और जो जॉब होती है ना वो आपको करनी ही पड़ती है। अगर लाइक आपके पेरेंट्स घर बैठ जाएंगे ना, आप कहाँ से खाओगे, तो वो सीन होता है। तो ये मुझे करना है, लेकिन ये तो मैं कर लूँगा इस, लेकिन जो नेगेटिव रिस्पांस मिलता है ना, उससे बुरा लगता है। नेगेटिव रिस्पांस नहीं होगा ना, आपको खुशी होगी, आप खुशी से काम भी करोगे, बट आप मेहनत भी कर रहे हो, और आपको सामने से जो नेगेटिविटी नज़र आ रही है ना, उससे आपको बुरा लगता है। और आप लोग फिर ये आंसर देते हो कि यार अनॉनिमस भाई, नेगेटिव लोगों को इग्नोर किया करो। मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया ना, फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने कत्ल नहीं किया, ठीक है, आपको लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने कत्ल किया है, आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको बुरा भी लगेगा, आपको डर भी लगेगा, क्योंकि एक चीज़ आपने जब की ही नहीं है, लोग आपको उसके लिए ब्लेम करते हैं, बुरा तो लगेगा गाइस, मुझे भी लगता है यार। और फिर मैं उनको आंसर भी देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ खोट नहीं है, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो ना मैं भागता हूँ ना मैं कुछ। आपको एक और बात बताते चलूँ, आज तक मुझे बताओ, मैंने आपको बोला भाई कि मैंने आज तक पेड प्रमोशन की हो, कभी ऐप की प्रमोशन देखी मेरे चैनल पे, कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं? 8 लाख होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपने देखा मैंने बोला भाई इस ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ से पैसे मिलेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे? मैं आपको बताता हूँ, अभी हफ्ता पहले गाइस, इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं और कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। हफ्ता पहले मुझे एक ऐप ने लाइक मुझसे रब्ता किया था, व्हाट्सएप नंबर किसी ने उनको दिया, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि भाई आपने 2 मिनट की वीडियो बनानी है, आप ऐप का नाम मैं नहीं बताऊँगा, इज्जत ख़राब होती है और वो मैं किसी की नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐप वालों ने बोला कि भाई आप ना अपने चैनल पे ना वीडियो अपलोड करो, ठीक है,
2 मिनट की फेस कैम के साथ गेम प्ले में ऐड कर देना, और आप उसमें बोलो भाई ये हमारा ऐप है, बहुत अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया। मुझे उनकी जो बात मुझे खटकी ना वो ये थी कि उन्होंने अपना लाइक बोलने को भी उन्होंने कहा था कि जो हम बोलेंगे वो आपने बोलना है, और आपने बोलना है कि मुझे ना लाइक इस ऐप से तकरीबन 1 लाख का फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को बोलोगे तो लोग डाउनलोड करेंगे। और इसका मुझे पता हूँ कितने पैसे दे रहे थे गाइस, 80,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, सारी बात सच्ची है। 80,000 रुपये दे रहे थे मुझे, इस चीज़ के गाइस 80,000 मिल रहे थे, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है मैंने उनको ना कर दी। मैंने बोला ब्रो ये मैं नहीं कर सकता, झूठ के पैसे हैं, हराम के पैसे हैं। मैंने उनको ये जवाब दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं भाई आप वापस नहीं, मतलब आपने बोला था करने को तो आप करोगे, वापस नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता था, पहली लाइक अर्निंग होती है ना गाइस, कोई ठीक होती है ना, ठीक काम होता मैं करता। जब मुझे लगा गलत है मैंने उनको मना किया, इतने अच्छी पेमेंट होने के बावजूद भी मैंने मना किया। तो उसने बोला भाई आप वापस नहीं जाओ, आपने हाँ की थी। मैंने बोला भाई मुझे पता नहीं था कि आपने ये झूठ बोलने को ही बोलना है कि भाई डाउनलोड करो, तो ये सब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, किसी की इज्जत ख़राब नहीं करते। तो मैंने उस फिर जब वो नहीं, मतलब वो कह रहा था भाई आपने बोल दिया तो अब करो, तो मैं उसको सीधा व्हाट्सएप से कर दिया ब्लॉक। मैं चाहता 80,000 है, एक झूठ बोल के आपसे आपको डाउनलोड करने का बोल देता, एक ही वीडियो थी, पीछे दब जाती जाके, लोग भूल भुला जाते। एनोनिमस ने पैसे कमाए इस ऐप के ज़रिए, हम भी डाउनलोड कर लेते, उनका फ़ायदा होता, मेरा फ़ायदा होता, आपका कट जाता। लेकिन गैस मैंने यहाँ भी नहीं किया, इतना प्यार है आप लोगों से। कभी आपने देखा हो पेड प्रमोशन किए लोगों से पैसे लेके बोला हूँ कि भाई जाओ इसको सपोर्ट करो, पैसे लेके आज तक नहीं बोला, इस बात का ही मेरा अल्लाह गवाह है, मैं और कोई गवाही नहीं देना चाहता, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, कभी आपने टिकटॉक पे देखा टिकटॉकर्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, या नॉर्मल बंदे उनकी लॉबी में जाते हैं टिकटॉकर्स की, और फिर उनको व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसके भी ना बहुत से टिकटॉकर हैं जो पैसे लेते हैं, या उनको बोलेंगे भाई आप पॉपुलैरिटी भेजो तो हम आपके साथ वीडियो बनाएंगे। मैं लॉबी खड़ा होता ना, मुझे रैंडमली जिसका इनवाइट आता ना, जब मैंने गेम नहीं खेलना होती, मैं ऐसी समटाइम ऐसे ही ऑन कर लेता हूँ, इनवाइट आएगा, एक्सेप्ट किया, उन लोगों को बोला भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, उनसे बात वगैरह कर ली। हाँ ये मैं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मैं बोलता हूँ कि भाई मैं गेम आपके साथ नहीं खेल सकता, बट आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप टिकटॉक की वीडियोज़ बना लो। कितने ही बंदों की मैंने ऐसे वीडियोज़ बनाई और एक चीज़ उनसे नहीं मांगी कभी, और ना कभी मांगूंगा गाइस। मैं जितना अच्छा हो के चल सकता था ना गैस में चला, हर जगह रिप्लाई देना, अच्छे से बात करना, लेकिन नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अभी अम्मी बुला रही हैं, चाय पीनी पड़ेगी मेरे को, मैं चाय पी लूँ, मेरा पहले बहुत सर दर्द कर रहा है। ओके चाय मैं उठा के ले आया, चाय नहीं छोड़ सकते गाइस। तो यार देखो मैं ना दिल बड़ा छोटा है, साफ से आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल बड़ा छोटा है, मैं नहीं कर सकता ऐसे, बर्दाश्त नहीं होता यार कोई बुरा ऐसे बोले ना, जब आप नहीं हो और आपको फिर भी बोलते हैं तो बुरा लगता है। हमेशा से चाहता था एक ऐसी कम्युनिटी हो, एक ऐसी पब्लिक हो जो लाइक दिल से सपोर्ट करे, दिल से प्यार करे, और नहीं हो पाता यार, बहुत बुरा लगता है। तो लाइक ये मैं फिर भी लास्ट चांस है गाइस मेरे, मैं ठीक है मैं गालियाँ कंट्रोल करता हूँ, मैं बहुत गुनाहगार बनता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है गालियाँ देता, नॉर्मल लाइफ में जब मरते हैं मेरे मुँह से भी निकलती हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियोज़ में नहीं देता, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लेकिन नहीं, ये लास्ट है गाइस, ठीक है। कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँगा, अगर आप लाइक मुझे लगा कि हाँ ठीक है अच्छा चल रहा है तो ठीक है, वरना भाई मेरे को बड़ा लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा यूट्यूब से, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो हर किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, जो जो भी है ना टिकटॉक कर रहा है, यूट्यूबर है, जो भी, उसको सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो उसको, ठीक है। एक आर्मी बनाओ सब मिलके, एक फौज बनाओ। मैं उसको इसीलिए बोला था, ये हैशटैग इसीलिए लाया था कि अनोनिमस की पब्लिक, जो भी बंदा लाइक मांगते ना उसके पोस्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है भाई अनोनिमस की पब्लिक लाइक ठोको, सब के सब लाइक कर दो, कमेंट्स लाइक करो एक दूसरे के, प्यार से रहो यार, क्या रखा है खींचने में टांगे एक दूसरे की, नहीं समझ आती, बुरा लगता है यार। खैर कुछ बातें थी आपके सामने रख दी, और लाइक अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ मैं। गेम प्ले की तरफ वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ वॉइस ओवर, नहीं होगा मुझसे उस तरीके से, उसके बाद आगे की गेम आपको दिखाता हूँ, बड़े मज़े की गेम थी ये। अस्सलाम वालेकुम, अब काफ़ी बेटर फील करूँगा इस, तो मतलब डेली वाली वीडियो शुरू करते हैं। आए थे हम अपने स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस में, और पचिंकी में थे हम यानी अपने घर में, और पिंडी में मतलब लॉल, और गाइस ये बंदा आता है सामने, फ्लेयर चलाई थी हमने पिचकारी थी, यहाँ पे रश करने आते हैं, ये पचिंकी का स्क्वाड हाउस था, और यहाँ पे आपने देखा कि एक बंदा ना पीछे ड्रॉप पे आ जाता है मेरा ड्रॉप लूटने के लिए। सर जी हमने तो जैसे आपको देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है वहाँ पर हो। एक नेड गया, बच गया, दूसरा करेंगे मारने के लिए, और देखते हैं
उछल के तरह से भाग रहे भाई, जैसे स्मोक कर रखा है और मजे से कवर में चला जाएगा। नहीं सर जी, ये मजाक हो रहा है। और फिर मेरा AKM यहीं पे वो वाला अटकता है गाइस, जो मेरे साथ हमेशा इशू होता है AKM के साथ, लाइक 7 KMO के साथ जो मेरा इशू होता है वही हुआ दोबारा से। और दरख्त के पीछे एक बंदा वॉल पे, इनका ये 3 बंदे थे, एक को हमने नॉक कर रखा है, वो रिवाइव नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह। ये कान के नीचे लगाया और बकरा बनाया भाई का। अब एक ही बंदा बचा गाइस जो वॉल पे है, और हमें कैसे भी करके उसको डाउन करना है। इसने बड़ी कोशिश की स्मोक वगैरह करके अपने टीममेट को बचाया, बट मैंने उसको कन्फर्म कर दिया था और ये नीचे आ जाता है। यहाँ उसको शायद से बॉडी शॉट लगा और फिर मैं नीचे जंप करता हूँ गाइस। मुझे था कि इसको M24 से मारूं, लेकिन गाइस अभी देखो हमारे 3 किल हैं, ठीक है, और 24 अलाइव हैं। अब आप किल देखना वीडियो में, 4 किल 23 अलाइव, और इन 23 में से ना 16 बंदे हम मारेंगे गाइस। फिर हमने यहाँ पे लूट की मदद से, मैं लूट कर रहा था तो एक गाड़ी पोचिंकी के यानी पिंडी के रोड के दरमियान में से गुजर रही थी, और वो ना टैप 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 मार रहे थे ताकि अगर कोई बंदा हो फायर करे हम लोग रुक जाएं। लाइक आप चेक करते हो ना ऐसे फायर करके, वो भी कर रहे थे। तो जब मैंने उनकी फायरिंग सुनी, मैं उनको टैप करके यहाँ पे बुला लूँगा कि सर जी हम इधर आए हैं, इधर आइए, हम इधर हैं, आ जाइए। ये हमने टैप टैप किया और ये लोग वाकई में आ भी जाएंगे। जो बंदे ढूंढ रहे होते ना वो गोली की आवाज़ सुन के आ जाते हैं। अब ये बंदे जो थे ना, ये लोग बंदे ढूंढ रहे थे और यहाँ पर आने वाले हैं। जब तक आएंगे यहाँ पे हम Level 3 उठा लेते हैं। ये वही बंदा है जिसने हमारा ड्रॉप लूटा था, हमें हमारा Level 3 मिल चुका है बाबा जी। और फिर हम अपनी मेहरान गड्डी में जंप करके ऊपर स्क्वाड और एनोनिमस हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पे करेंगे वेट। गाड़ी आ जाती है गैस, फ़ौरन से गाड़ी ब्लास्ट करूँगा मैं। और शोर हो रहा है गली में, बच्चे खेल रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा, चीखें मार रहे हैं गली में। ये मतलब क्या, ये एनोनिमस भैया वीडियो एडिट कर रहे हैं गैस। पता, जब मैं वीडियो YouTube स्टार्ट किया था ना, मैं एक कोने में बैठ के मोबाइल की स्क्रीन के दोनों साइड पे हाथ रख के रिकॉर्ड करता था। लाइक ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, मेहनत की तो इज्जत भी दी। और एक आपको बात बताऊं कि आपका जो एक कमेंट होता है ना, उससे इतनी खुशी मिलती है ना। अगर मेरे 10 मिलियन भी हो जाए ना, 100 मिलियन भी हो जाए, ठीक है, मेरी मेहनत उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होने वाली। लेकिन आपका जो प्यार मिलता है ना, उसके आगे मेरी मेहनत कुछ नहीं रहती, बस वहाँ पैसे पूरे हो जाते हैं। तो नीचे बंदे घूम रहे थे गाइस, हमने नेट निकाला। मुझे साउंड आ रहा था कि वो बंदे ना बिल्कुल नीचे मिडिल में है, तो मैं एक मिडिल में नेट फेंकता हूँ बिल्कुल कुक करके, उससे डैमेज होता है। वो बैंडेजेस लगाने लगते हैं तो मैं फ़ौरन से जंप करने का फैसला करता हूँ। 2 बंदे थे ये, MK हमारे हाथ में, और MK वही वाला ग्लिच कर रही है गाइस। 7 KMO नहीं चलती, पता नहीं क्यों, लाइक अटकने लग जाते 7 की गन। पता नहीं मेरी स्क्रीन इशू है या क्या चक्कर है, पता नहीं। बस एक बंदे को डाउन किया गाइस, दूसरा बंदा इनका जिंदा है, अंदर से आएगा और साइड पर भाग जाएगा। अरे भाई मैं हूँ, मार तो सही, ये तो भाग गया पीछे, और ये पीछे आ जाएगा गाइस। एक स्क्वाड, एक डुओ, वो पीछे दूर से ना थर्ड पार्टी कर रहा है, लाइक वो चर्च पे रुके थे और वहाँ से वो कर रहे थे पंगे। और ये हमने भाई को फिनिश किया, अब हम पीछे की तरफ रश करेंगे। ऑलमोस्ट खा गया था ये बंदा यहाँ पे, 2-3 SP पे हमने सर्वाइव किया। और हील करूँगा, पीछे से भी शॉट्स आ रहे थे चर्च पे बंदे गाइस। और मैं बताऊँ अभी मुझे ना यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 300 मीटर जोन है, ठीक है, तकरीबन 250-300 मीटर जोन है, मुझे जोन में जाना है। तो मैं स्मोक करता हूँ यहाँ पे, और फिर मुझे था कि मैं चर्च वालों के बैक साइड पे जाकर उनके पीछे जाकर उनकी बैंड बजाता हूँ, वरना यहाँ से तो वो मुझे निकलने नहीं देंगे। तो पहले इसकी लूट की मदद से, लूट पहले भाई, लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। लूट उठाएंगे, गधा गाड़ी उठाएंगे, पंचर थी पीछे से शॉट्स ले रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है सामने, तो मैं गाड़ी चेंज करूँगा और रोटेट करके हम लोग चले जाएंगे उन बंदों के आगे कि तुमने हमारा जोन काटा था, हम तुम्हारा जोन काटेंगे, हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग थी। तो मैंने गाड़ी उठाई गाइस, घुमा के गाड़ी ले जाऊंगा चर्च वाली साइड पे, और वहाँ से देखेंगे वो लोग कहाँ पर हैं। और मज़े के बाद मैंने उनकी गाड़ी देखी थी जो चर्च के ऊपर थी, तो मतलब मुझे पता था कि वो गाड़ी के बगैर जो ना फंस जाएंगे और गाड़ी लेंगे। तो मैं ऐसी जगह रोक रहा था कि गाड़ी लें तो मैं मार दूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ जाता हूँ। फायरिंग होती है भाई, फायर करते हैं मुझ पर, लेकिन मैं साइड पर रोक देता हूँ। लेकिन ये बंदे जो हैं गाइस भागने में, पैदल भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये देखते हैं ना कि हम फंस चुके हैं, ये लोग साइड से भाग जाते हैं। मज़े की बात ये, इनके पास गाड़ी नहीं है, और जिनके पास गाड़ी नहीं है ना, वो ऐसा होता है जैसे शेर के आगे शिकारी भाग, शिकार जो होता है भाग रहा होता है ना शेर के आगे आगे, वो सीन होता है। जैसे गाड़ी में कोई चेस कर रहा हो पैदल वाले इंसान को, कितना इजी हो जाता है ना, बस वही सीन हो गया था इनके साथ ही। मैं गाड़ी में चेस कर रहा था बेचारों को, वो मूवी में आपने देखा होगा ना, बॉलीवुड की मूवीज़, पाकिस्तानी कुछ कुछ ड्रामों में गुंडे गाड़ी में होते हैं, और वो मज़लूम जो वो होती, क्या बोलते हैं, हीरोइन होती है पैदल भाग रही होती है, पीछे गुंडे गाड़ी में आ रहे होते हैं, वो सीन हो गया था। तो गाइस अब पीछे 2 पत्थरों पे आ गए थे लोग, यहाँ पे मैंने शॉट लिया, मिस हो गया। और ये वाला मिस नहीं हुआ, कान के नीचे लगाया, नॉक किया भैया को। और तुगरुल भाई का नाम था, और मुझे अर्तुरुल याद आ गया था ये नाम देख के, तुर्गुत भी याद आ गया था, तुर्गुत जिसको आप वो भी कहते हैं, क्या नाम है दूसरा तुर्गुत का, एक और नाम था ना नूरगुल, यस ये 2 नाम फेमस हैं, एक तुर्गुत एक नूरगुल, एक ही बंदे के।
तो कौन कौन देखता है अर्तुरुल गाजी, मुझे बताना कहाँ तक देखा, वो बताना। गाजी ये बंदा डाउन किया, अब इनका आखिरी बंदा जो था वो पत्थर के पीछे था। मैंने दोबारा से देखो एंगल नया ले लिया, ऐसे गाड़ी आपके पास है तो फ़ायदा लो, एंगल वेंगल चेंज करो। उस पत्थर के पीछे था तो मैं रश कर रहा था। बाबा जी अच्छा मारा इन्होंने, अच्छा दौड़ाया इन्होंने, बट बाबा जी पिंडी बॉय बोलते हमने कैसे ना कैसे घूम के मार दिया। तो अब गाइज यहाँ पे हीलिंग ज़्यादा सारी उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। यकीन करो गाइज 4 से 5 महीने हो चुके हैं मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, एक दो छुट्टी हो जाती है, लेकिन डेली इतना अपलोड करना, यकीन करो बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। इन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना मैंने दिन रात मेहनत की है, और तो इसलिए यार थोड़ा बुरा लगता है। जितना भी एक एक चीज़ मैंने देख ली गाइज, तुम जितना भी अच्छा हो जाना, ये दुनिया ना लाइक ऐसी है, ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी। सबके सब नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, ये चीज़ मैं देख चुका हूँ वाकई में। तो यहाँ पे भाई हमने सीट चेंज करके थोड़ा सा फैंसी तरीके से मारने की कोशिश की। पहली बार तो हम नाकाम हुए, दूसरी बार डाउन कर लिया। अब गाड़ी से कुछ लेंगे, भाई को हेल्थ जा रही थी तो इसलिए मुझे जोन में जाना था। तो गाड़ी घुमा के गाइस मैं शैक पे ले जाऊँगा जो कि लेफ्ट में था, और वहाँ पर रुक के हील करेंगे। आपको ना जो मैं अब ज़्यादा खेलता हूँ ना उसको एकदम मास्टर कर लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर शैक है, कहाँ पर रिज है, कहाँ पर घर हैं। आपको मैप देख के बगैर अगर पता चल गया ना तो आप उस मैप में ईजिली सर्वाइव कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो हम इस शैक में आ गए थे, यहाँ पे मैं हील करूँगा। और मज़े की बात, आप लेफ्ट पे मैं वो देखो बाइक खड़ी हुई है, ओके नीचे गिरी हुई है, तो ऊपर बंदे थे और ये शॉर्ट्स भी ले रहे थे। तो मैं चुप करके आके बाइक गाड़ी पीछे रोकी, गलती मैंने ये की जोन से बाहर रोक दी गाइस, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की यहाँ पे। उसको नहीं पता बेचारे को क्योंकि मैंने गाड़ी पीछे रोक दी थी। इसको यहाँ पर डाउन किया, इसका टीममेट ना नीचे वाली साइड है, आई गेस राइट वाली साइड पर था, राइट वाली, और वहाँ अलग स्क्वाड था, स्मोक भी हुआ था आपने देखा। तो दूसरे स्क्वाड ने ना इसके टीममेट को मारा तो मुझे किल मिल गया। अब सामने के रिच पे गए इस पूरा का पूरा स्क्वाड, ये बहुत अच्छा खेले। तो इससे तो कितनी लंबी फाइट हुई मेरी, कान के नीचे लगाया, नॉक किया भाई को। और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कंफर्म करूं, यहाँ पे वही रीलोड लग जाती। जब मैं कंफर्म करने की कोशिश करता ना, पबजी वालों को पता नहीं क्या दुश्मनी है, रीलोड लगा देंगे। और वो बच गया, उसका टीममेट कवर फायर दे रहा था, देखो उसके आगे आ रहा है। ये होता है गाइस अपने टीममेट को बचाने का तरीका, अगर आपका टीममेट नॉक किया, दूर से शॉट्स आ रहे हैं ना, उसके आगे आके गोलियां खा लो, उसको कवर में जाने दो, ऐसे कर लिया करो गाइस। 2 बार नॉक किए, अब मुझे कैसे भी करके जोन में जाना था। मैंने गाड़ी जोन के बाहर खड़ी की थी और मैं गाड़ी दोबारा लेना नहीं चाहता था। और सामने जो कंपाउंड थे ना गाइस, ये जोन में थे। मज़े की बात, अब मुझे सारा ओपन से जाना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुका, मैंने एम किया कि अगर वो निकालें तो मैं नॉक करूँ, लेकिन अब वो स्प्रे करने लग जाएंगे। कोई 250 मीटर था, तो गाइस नॉक करना इतनी दूर से आसान नहीं था स्प्रे करके। ऊपर से दरख्तों का जो कवर आया उससे मैं बच गया, वरना उन्होंने तो फायरिंग की थी, यहाँ से वो फायर करना स्टार्ट करते हैं मुझ पर। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ जाऊँगा इन कंपाउंड्स के अंदर। और यहाँ पे जो है ना, बस लाइक एक जगह आपने अच्छी ले ली और वहाँ से आपकी किस्मत चेंज, अब सारा जोन मुझ पर बनने वाला है। आई गेस 2 जोन यहीं पे बन जाएंगे मुझ पर और मैं काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँगा। गैस पीछे अलग स्क्वाड आ चुका है, इनके पास लेवल 3 ऑम वगैरह अच्छी लूट है जो ऊपर आया रिज पे, और एक स्क्वाड सामने, और हम हैं बीच में दरमियान में फंसे हुए। अब ये 4v4v1 है गाइस और हम अकेले, तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम इन दोनों को निकालेंगे। मज़े की बात, जो ऊपर स्क्वाड था ना वो भी इनको मार रहा था, मैं भी इनको मार रहा था, ऊपर वाले मुझ पर रश नहीं कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। तो मैंने ये पे नॉक किया, रिवाइव करने जा रहा है उसको, मैंने शॉट लिया, मिस हो गया रनिंग शॉट। दूसरा मारा वो भी मिस हुआ, उसके टीममेट ने क्या तो कवर दी, और मेरी वेस्ट जो है लेवल 3 की गाइस ऑलमोस्ट उड़ चुकी है। दोबारा से लेवल 3 हेलमेट डाउन किया मैंने अपने भाई को, और फैल गए थे गाइस जी इनके पास। ये इन्होंने भी वही बेवकूफ़ी की, इन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी, वरना ये रश करके मुझे इजीली डाउन कर देते। यहाँ मैं 2 बंदे डाउन किए, तीसरा वहाँ पे दरख्त के पीछे था, आई गेस 3 डाउन किए हुए थे या 2 पता नहीं, बट ये एक और बंदा वहाँ पे बाकी था गाइस। और इतनी देर में मुझे पीछे से पड़ जाएगी, जो इतनी देर से मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, उन्होंने भी मेरी बैंड बजाने का फैसला किया। और मुझे था मैं इतना ज़्यादा नॉक कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले जो ना मेरा किल ना चुरा लें। ये बॉडी शॉट मारा, एक और बॉडी शॉट, ओके ये भी नॉक हुआ, तो इसका मतलब इसको तो मैंने 2 से 3 बार नॉक किया था, इसका मतलब अभी इनका एक और बंदा बाकी था। फिर मैं यहाँ पे नेड किया और जोन आ रहा था गाइस, देखो 3 सेकंड है जोन आने में, तो जोन के डैमेज से मुझे मेरे किल मिलने वाले हैं। बस ये ऊपर वाले ना चुरा लें, ये देखो गाइस इतनी देर में मुझे पीछे से पड़ जाती है, यहाँ पर जिंदगी आ जाती है अपनी खतरे में। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है। आराम से हील करेंगे, ये लेवल 1 की वेस्ट पहले से हमारे लिए रखी गई थी यहाँ पे, तो हमने उठा ली, हमें किल मिल रहे थे और पीछे से हो जाता पूरे स्क्वाड का रश। एक बंदा डाउन किया गाइस, इसको कंफर्म करूंगा, लेकिन इसके टीममेट रश कर रहे थे, मुझे लगा नहीं कर रहे होंगे तो कंफर्म करके किल उठा लेता हूँ। रश हो जाता है यहाँ पे राइट से, मुझे थोड़ी सी विंडो से नज़र आएगा कि बंदा आ रहा है, ये जंप करके आया। तो बाबा जी यहाँ पे अपने मौत को छुआ और तक
से वापस आ गए और फिर मैं हील करूँगा अगर एक ही बंदा बाकी है। और आपने देखा जब लाइक 25 से भी कम अलाइव थे हमारे, इतने थोड़े किल थे और सारे किल एंड में हमारे नसीब में लिखे थे। एक ही अलाइव है, 19 किल अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने ग्रोज़ा उठा ली, ऑम उठा ली हमारी प्यारी मोहब्बत, और देखो अभी भी लूट कर रहा हूँ, एक बंदा बाकी है। मैंने स्मोक वगैरह उठा ली जितनी भी इसके पास थी, और मैं चाह रहा था कि जोन के दरमियान में स्मोक करके जाऊँ क्योंकि गाइस मेरे पास नहीं है। ये कौन टक टक कर रहा है यार? ओके वहाँ मुझे लगा बंदा, बट वो बंदा नहीं था, तो मुझे स्मोक करना पड़ेगा अभी। ठक ठक थोड़ी सी इग्नोर कर लो, बर्दाश्त कर लो। और मज़े की बात, ये एंड का ना साउंड भी जो है ना ग्लिच हो गया था वीडियो रिकॉर्डिंग से, तो ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब अगर मिडिल क्लास लड़के की वीडियोस देखोगे तो यही होगा, ठक ठक की आवाज़ें, बच्चों का शोर और अम्मी आएंगी चाय देने, बेटा मुबीन चाय ले ले, तो ये तो सुनने को मिलेगा आपको अगर लाइक मिडिल क्लास लड़की की वीडियोस देखोगे तो। गुज़ोन अभी भी मेरे पास नहीं था गाइस, सामने कहीं पे सांप बना हुआ, वो हम थोड़ा सा आगे जंप करके जा रहे थे और यहाँ पे नज़र नहीं आया, बट वो गोलियाँ मार रहा था सही से। उसके आई थिंक उसके ना AKM पे वो लगा हुआ था फ्लैश हाइड, तो पता भी नहीं चल रहा था। तो बस उसके बाद ना वो ज़रा सा रिंगता हुआ मुझे नज़र आ जाएगा, और इतनी देर में पहले मैं एक नेट फेंकता हूँ दूर, और फिर दूसरा भी फेंकेंगे आई गेस, दूसरा भी नेट फेंक दूंगा मैं या नहीं। ओके नहीं, ये सांप नज़र आया, एक बॉडी शॉट मारा, दूसरा बॉडी शॉट मारा, और बाबा जी विनर विनर चिकन डिनर हमारा हुआ। गाइस वीडियो काफ़ी अलग थी यार, देखो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, बाकी लव यू। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से ज़रूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बस लव है आप लोग के लिए, रिस्पेक्ट है एक अलग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू, अल्लाह हाफिज़।